कराची में इस साल कुर्बानी बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि जो जानवर पूरे मुल्क में 40-50 हजार रुपए में मिल रहा है वो यहाँ 1 लाख में भी नहीं मिल रहा। शहरियों से इसकी वजह पूछी तो कहते हैं कि इस साल व्यापारी जानवर बेचने नहीं, खरीदारों की जेब पर डाका डालने आए हैं। और व्यापारियों से पूछो तो वो कहते हैं कि जो खुद कदम कदम पर लुट रहा हो वो दूसरों को कैसे छोड़ेगा, लाखों का काला बजट है इसमें भी। यह है कराची का इलाका सोहराबगढ़, जहां हर ईद कुर्बा पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लगती है। मंडी के लिए मखसूस जमीन हर साल टेंडर के जरिए नीलाम होती है, जबकि इस बार ठेका फैसल ब्रदर्स नामी कंपनी ने हासिल किया। GFIR की टीम व्यापारियों की दावत पर मंडी पहुंची तो सबसे पहले इंतजामिया की जानिब से उठाई गई दीवार नजर आई, जिसे नविश्ता दीवार कहना ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि इस पर वो तमाम शराइत दर्ज हैं जिन पर अमल किए बगैर कारोबार तो दूर, कोई व्यापारी मंडी में कदम भी नहीं रख सकता। अंदर दाखिल हुए तो चंद हैरान और परेशान खरीदार और एक झल्लाया हुआ व्यापारी रास्ता रोके खड़ा था। जेब को देखते हैं और रेट को देखते हैं और रखते हैं और कुछ नहीं। खरीदारी के लिए आया था मगर इस साल जो है कुछ ज्यादा ही मंडी तेज है। पिछले साल हमने 2 लाख रुपए खरीदा था मगर इस साल रेंज यही है कि 2.5 से 2.5 लाख 2 लाख 70 तक अमाउंट मिलेगा। लियाकताबाद से आया हूँ। ये कि हम लोग हर दफ़ा कम से कम 3 से 4 ऊँट लेते हैं, मगर इस दफ़ा जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादा मांग रहे हैं कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उसको। गवर्नमेंट ने इतने टैक्स लगा दिए हैं, मुश्किल से 50 हजार रुपये का है वो 1-1 लाख 10-1 लाख 20 हजार रुपये का बेचना पड़ रहा है। ये जो लेने आ रहे हैं बचिया वो बोल रहे हैं कि इन्होंने महंगाई कर रखी है। भाई हमने महंगाई नहीं कर रखी है, ये इन मंडी वालों ने जिन्होंने ये ठेके ले रखे हैं इन्होंने महंगाई कर रखी है। गवर्नमेंट के 600 अलग ले रहे हैं टैक्स बकरे के, और उसी के अलावा बोल रहे PI ऑर्डर 50 और 40 हजार, और अभी तक कोई दीवार नहीं खुली है। जब हम बकरे उधर से लेके आते हैं ये 40 हजार जेब के भरेंगे तो हम किससे लेंगे, ये इन शहर वालों से लेंगे। खरीदारों की शिकायत अपनी जगह, मगर व्यापारियों का नोहा ज्यादा दर्दनाक है। हमने माइक आगे किया तो छूटते ही बोले, खाली ये मत देखो कि हम क्या मांग रहे हैं, ये भी तो जानो कि क्यों मांग रहे हैं। हमने क्यों कहा तो जलकर बोले, जानवर मंडी में नहीं उगते भाई जी, इन्हें हम मुल्क के कोने कोने से कराची लाते हैं। रस्ते का किराया भाड़ा और सरकारी बंदों को देते बांटते जब मंडी की दहलीज पर पांव रखते हैं तो पैसा फेंक तमाशा देखकर नया चक्कर शुरू हो जाता है। यानी मंडी में जानवर खड़े करने की जगह का किराया 40 हजार से 60 हजार रुपए, इसके बाद जानवर बड़ा है तो 1000 रुपए और छोटा है तो 600 रुपए टीकस टैक्स, फिर पिंडाल यानी तंबू का किराया, फिर तंबू में जलने वाले हर बल्ब का हर्जाना 70 रुपए, और तो और पानी भी खरीदना पड़ रहा है। इसके बाद हमने कुछ और व्यापारियों की शिकायत जमा की और सीधे मंडी के इंतजामी अफसर के पास पहुंच गए। यहां हम अफसर साहब के दावों और व्यापारियों के शिकवों का मुवाजना पेश कर रहे हैं, जो आपको नहायत दिलचस्प लगेगा। PI ऑर्डर हमारे से लेते हैं 50 हजार 40 हजार हमारे से लेते हैं तो फिर 600 रुपए बकरे का क्यों लेते हैं, यहाँ 600 बकरे के ले, यहाँ तो PI ऑर्डर ले। ये जो इधर खड़े हैं PI ऑर्डर लेने के लिए तो 10 मिनट के बाद गेट बंद कर देते हैं, हम सुबह से खड़े खड़े थक गए हैं, अभी तक PI ऑर्डर नहीं है। ये जो PI ऑर्डर पे रश हुआ है वो उसकी वजह ये है कि एक बूथ से PI ऑर्डर बनवा रहे हैं, दूसरे किसी बूथ पे नहीं जा रहे हैं कि सब्जी मंडी चले जाएं, सोहराबगढ़ चले जाएं। अब वो एक विंडो कितने PI ऑर्डर बना सकती है। मसला सिर्फ खरीदारों और व्यापारियों का नहीं, मंडी की इंतजामिया जानवर ढाने और ले जाने वाली गाड़ियों से भी 150 रुपए इनकी फीस वसूल कर रही है, और ये फीस उन्हें हर चक्कर पर देना पड़ती है। इसके अलावा पुलिस और ट्रैफिक एहलकार भी जैसा मुंह वैसी चपेड़ के हिसाब से नजर आने देने में मसरूफ है। इंतजाम इतने वसी पैमाने पर हो तो कमाना इंतजामिया का हक है, मगर सोहराबगढ़ की मंडी का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ से होने वाली करोड़ों रुपए की कमाई का सारा बोझ अवाम पर मुंतकिल हो रहा है, जो हर लिहाज से गलत है। GFIR के लिए कैमरा टीम के साथ शाहिद इस्माइल, कराची। सीनियर डायरेक्टर वेटनरी सर्विसेज डॉक्टर जफर जैदी से मुलाकात के लिए सिविक सेंटर पहुंचे। गुफ्तगू के दौरान उनकी बातों में काफी तजाद नजर आया, वो किसी बात को मानने के लिए तैयार ही ना थे। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीनियर डायरेक्टर वेटनरी सर्विसेज KMC डॉक्टर जफर जैदी साहब के साथ, और हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो सुपर हाईवे पर मवेशी चेक पोस्ट है, जो आज से कबल तक पिछले साल तक जो है वो उसका ठेका KMC देती रही है, इस साल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने वो ठेका सिर्फ 3 करोड़ में कैसे दिया, और इस वक्त जो शहर में मुख्तलिफ मकाम पर मवेशी मंडियाँ कायम हैं उनका इस वक्त गैर कानूनी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
देखिए लोकल गवर्नमेंट के एक ऑर्डर के तहत डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची को इजाज़त दी गई है कि वो अपने जुरिडिक्शन में मिल्चिंग एनिमल लाइसेंस फीस और हेल्थ क्लियरेंस फीस रिकवर करे उसी में? जी अपने जुरिडिक्शन में। इत्तेफाक से कराची में जो भी रास्ते दाखिल होते हैं वो उनके जुरिडिक्शन से होते हैं, चाहे वो सुपर हाईवे से आ रहे हों लकी सिमिट, दूसरा रास्ता है नेशनल हाईवे तो वो बोरी बाबा पे उनकी चेक पोस्ट है। तो ये दोनों एरियाज जो हैं ये उनकी जुरिडिक्शन में आते हैं, वहाँ पे उनका कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने बाकायदा ऑक्शन किया है, उस ऑक्शन के तहत कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वहाँ पे ये फीस रिकवर कर रहा है। आप ये बात कह रहे हैं कि वो उनकी जुरिडिक्शन में आती है, लेकिन कराची में आने वाला हर जानवर जो है उस पर फीस एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो बहुत छोटा हिस्सा है जिसके पास कराची की जिसके पास दही आबादी है वो कराची में आने वाले हर जानवर पर पहले तो फीस दे रहा है, सबसे पहले तो यही बात अनोखी। लेकिन बात यह है कि चूंकि वो उनके जुरिडिक्शन से गुजर कर आ रहे हैं, जिस जानवर पे फीस लकी सिमिट पे ले ली गई है वो कराची शहर में दाखिल होने के बाद किस तरह फीस देगा, अगर उस पर यहाँ भी फीस चार्ज की जाएगी तो वो डबल फीस कहलाएगी जो कानूनन मुनासिब नहीं। तो भाई ये भी जरा मुझे समझा दीजिएगा कि लास्ट ईयर जब केएमसी ने इसका ठेका दिया था 9,70,00,000 था, इस दफा वो ठेका जो है वो सिर्फ 3,00,00,000 में दे दिया गया, ये कैसे पॉसिबल? यानी 3,32,11,000 जी। अब इसके बारे में तो एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो आपको बेहतर बताते हैं। ये बात ठीक है कि ये एक सिद्दीक साहब ने यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट भरा था, उसकी उन्होंने जो है एडवांस मनी भी जमा कराई थी, उनको जो है यहाँ पर उनको इसका चार्ज दिया जाना था पोस्ट का, लेकिन वो नहीं दिलवा सके। सिद्दीक साहब ने किसी ऑक्शन में कोई हिस्सा नहीं लिया। पेपर्स मौजूद है, मेरे पास ऑफर लेटर्स मौजूद है। ऑक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, उन्होंने एक ऑफर की थी, उन्हें ऑफर भी दिया गया था, उन्हें वहाँ अलाउ नहीं किया। लेकिन मुतासिर ठेकेदार मोहम्मद सिद्दीक क्या कहता है जरा वो भी सुन लेते हैं। हाईवे पे वेटनरी डॉक्टर बैठते हैं केएमसी के हवाले से, वहाँ एक चेक पोस्ट है हाईवे के ऊपर, वो मुझे दिया गया 3,60,00,000 में। उसका तो बाकायदा लेटर इशू हो गया, उन्होंने मुझे कहा है कि ये हम आपको दे रहे हैं, आप जाके वहाँ बैठ जाओ। तो ये हम लोग गए वहाँ चेक पोस्ट पे, चेक पोस्ट पे गए तो वहाँ हकम अली जसकानी के बंदे बैठे हुए थे, अली शाह है कायम अली शाह सीएम का, मेरे ख्याल नवासा है उसका नाम चल रहा था कि भाई ये उसका चल रहा है, हाकम अली जसकानी उसका पार्टनर है, इसमें बहुत लोग पार्टनर हैं। तो वहाँ से अब्दुल हमीद जमाली है तो सीओ मलीर है, वो फ़ोन करके कह रहा था कि यहाँ से उठ जाओ वरना मैं एफआईआर कटवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो वहाँ के जो लोग थे उनके पास हसला था, जब ज़फ़र जैदी को फ़ोन किया तो उसका मोबाइल ऑफ था, उन्होंने कहा कि मेरा मोबाइल 24 घंटे चलता रहेगा, आप जाएं और जिस टाइम भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरा मोबाइल ऑन होगा। जब ये पूरा वाकया था तो हमने उनको, उनके फ़हीम शेख साहब ने मोबाइल पे कॉल की, मैंने खुद किया फ़ोन उसके मोबाइल पे तो उसका मोबाइल ऑफ जा रहा था, लिहाजा उन्होंने हमें वहाँ चेक पोस्ट पर बैठने नहीं दिया। ये भी बताइएगा कि कराची की एक पुरानी कैटल मंडी जो भैंस कॉलोनी की है जो कमेला कहलाता है, उसे आपके ऑर्डर से उसको खोलकर वहाँ पर जो है एक मवेशी मंडी जो है वो लगा दी गई, ये कानूनन दुरुस्त है? इसको अभी सिर्फ 3 दिन हुए, इसको शुरू हुए। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, वहाँ पर कुर्बानी का जानवर बिक रहा है। नहीं, वो उस बाउंड्री के अंदर नहीं होगा जो ओल्ड बीफ स्लाटर हाउस है, उसमें नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। वहाँ 2 स्लाटर हाउस है और दूसरे स्लाटर हाउस की बाउंड्री के बराबर में कैटल पीढ़ी मौजूद है, आपने उसको समझा होगा कि वो स्लाटर हाउस का हिस्सा है। नहीं, डॉक्टर जफर जैदी का मौकफ अपनी जगह, लेकिन ये मनाजिर ओल्ड बीफ स्लाटर हाउस के ही हैं और वहाँ लोग क्या कहते हैं ये भी सुन लीजिए। ओल्ड बीफ स्लाटर हाउस यही है? हाँ, ओल्ड पे ये ओल्ड ये था पहले, अभी वो न्यू हो गया, न्यू स्लाटर हाउस आ गया अभी जो है आगे। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पर जानवर अंदर भी खड़ा होता है बाहर भी खड़ा होता है? नहीं, ये तो अभी बकरीद के दिनों में सिर्फ अंदर खड़ा हुआ है, या उमन जो रेगुलर जो है ना बाहर ये बिकता है। स्लेटर हाउस है ये, इधर माल भी खड़ा होता है बाहर भी खड़ा होता है, सब जगह माल खड़ा होता है। अभी तक तो ये दे दिया है ना सरकार ने, 10 दिन के लिए दे दिया ये पता नहीं है ये टाउन वाले चला रहे हैं इसको, सुबह में टैक्स ले रहे हैं वो, यहाँ अंदर जाने का अलग फीस ले रहे हैं इसकी।